कभी कभी क्या होता है कि ब्रेड थोड़ी ड्राई हो जाती है और फिर वो खाने में अच्छी नहीं लगती है, तो बहुत आसानी से इसको हम बिल्कुल फ्रेश जैसी बना सकते हैं। और इससे ही आज मैंने नाश्ता भी बनाया है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले स्टफिंग बनाएंगे। तो एक कढ़ाई में नॉर्मल सा जीरा, राई, हींग ये सब चीज़ का तड़का लगाएंगे, और थोड़ा सा अदरक मिर्चा मैंने कद्दूकस करके रखा है तो इसको डाल देते हैं। साथ में थोड़ा सा प्याज, शिमला मिर्च और गाजर, इसको भी मैंने चॉप करके रखा है, तो ये सब चीज़ें भी ऐड कर देंगे। और सब्जियां हम अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, चाहे तो इसको ना भी डालें तो भी चलेगा। और थोड़ा सा आलू भी उबाल के रखेंगे, तो बस इसको ढक देते हैं कि गाजर मुलायम हो जाए, और फिर आगे हम आलू और मसाले वगैरह डाल देंगे। स्टफिंग थोड़ी चटपटी रहती है तो नाश्ता खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आलू ये करीब करीब 4 मीडियम साइज़ का आलू होगा, तो इसको ऐड कर देते हैं। और मसाले बिल्कुल नॉर्मल वाले जो हमारे रोज़ के रहते हैं वही सब जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा ये अमचूर पाउडर है, लाल मिर्ची है, थोड़ा भुना जीरे का पाउडर है, गरम मसाला डालेंगे और चाट मसाला डाल देंगे। तो बस ये चटपटी सी स्टफिंग तैयार हो जाएगी। नमक अपने हिसाब से और थोड़ी सी धनिया, इसको मिक्स करेंगे। और भुनने के बाद गैस बंद करके हम नींबू डाल देंगे। नींबू पहले डालने से क्या होता है कि कभी कभी थोड़ा सा कड़वापन आ जाता है, तो हमेशा मैं गैस बंद करने के बाद ही नींबू डालती हूँ, और बाद में फाइनल टच देने के लिए धनिया। तो स्टफिंग तैयार है, और अब जो ब्रेड है इसको कैसे एकदम फ्रेश किया जाए, तो क्या करेंगे कि एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी उबलने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर एक जाली रखेंगे और जो ब्रेड थी उसको रख देंगे। ब्रेड का मैंने किनारा निकाल दिया है क्योंकि इससे भी मैं नाश्ता बनाऊंगी। तो और 2 मिनट बाद ही आप देखिएगा कि ब्रेड एकदम सॉफ्ट हो गई है, बिल्कुल फ्रेश, जैसे कि अभी तुरंत बन के आई हूँ। और इसको हम ऐसे भी खा सकते हैं, अगर ब्रेड कभी हमारी ड्राई हो जाए तो ऐसे इसको एकदम सही किया जा सकता है, और ठंडे होने के बाद भी ये थोड़ी सॉफ्ट ही रहेगी। तो अब इसको हम हल्का सा बेल लेते हैं, इसीलिए मैंने पहले ही किनारा निकाल दिया था, क्योंकि बाद में ब्रेड बहुत मुलायम हो जाती है और फिर वो कटती नहीं है। तो अब इसको बेलने के बाद ना एक थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर है 1 चम्मच और 1 चम्मच पानी है, तो इसको घोल के ब्रेड के चारों तरफ लगा देंगे और फिर एक कोन जैसा बनाएंगे। ये नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बना था और बहुत फटाफट से बना था। इसको हम लोग भर के फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं, और जब कभी खाने का मन हो तो आसानी से इसको फटाफट से फ्राई करके खाया जा सकता है। बस इसे हमें भरने के बाद डीप फ्रीज़र में रखना होगा कि अच्छे से एकदम ठंडा हो जाए। और इसमें स्टफिंग डालते हैं। स्टफिंग भी हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, चाहे तो पनीर और पिज़्ज़ा टाइप की जैसे सब्जी रहती है उस टाइप से भी भर सकते हैं, चीज़ वगैरह भर सकते हैं। तो बस इसको भरने के बाद आप ध्यान से देखिएगा, इसमें एक हम ये आइसक्रीम वाली स्टिक लगाएंगे और ऊपर से इसको फिर अच्छे से चिपका देंगे कि कहीं से भी ये खुला ना रहे, वरना फिर फ्राई करने के टाइम में ऑयल चला जाएगा। तो ऐसे भरने के बाद अगर कहीं से खुला हुआ दिख रहा है तो वहाँ पे ये कॉर्नफ्लोर का घोल लगा के इसको फिर से चिपका देंगे, और इसी तरह से और 3-4 भर लेते हैं। और दूसरे साइड में ऑयल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था, तो ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें फ्राई कर लेंगे। बस ब्रेड का ये कॉर्नर हल्का सा कट करेंगे और बहुत आसानी से फिर ये चिपक जाएगा। बच्चों को देखने में सुंदर लगता है तो बच्चे टिफ़िन पूरी फिनिश कर देते हैं, तो आप टिफ़िन में एक बार इस तरह से बना के बच्चों को दीजिएगा, बच्चे ज़रूर पसंद करेंगे। और ये तैयार है फ्राई करने के लिए। तो अब ऑयल चेक करते हैं। हल्का सा मुझे यहाँ से खुला हुआ लग रहा था ब्रेड, तो मैंने वहाँ पे कॉर्नफ्लोर घोल डाल दिया था, और ऑयल एकदम गर्म है। तो बस अब गर्म ऑयल में इसको फ्राई कर लेते हैं। चटनी की बहुत सारी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे है, और नीचे डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगी। और अब इसको फ्राई करने के बाद गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये बिल्कुल तैयार है,
देखने में जितना सुंदर है खाने में भी उतना ही अच्छा है। तो आशा करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।